हरिवंश पुराण त्रिंश सर्व तीसवा पर्व। अथान्तर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन चिरकाल तक क्रीड़ा करने से अतिशय खिन्न कुमार वसुदेव प्रियंगु सुंदरी के प्रांगण भुजाबंद से बंधे सुख की नींद सो रहे थे, किसी कारण जाग पड़े। जागते ही उनके सामने खड़ी द्वितीय लक्ष्मी के समान अतिशय रूपवती एक कन्या देखी। कुमार ने उसे पूछा कि हे कोमल लोचने, यहाँ तुम कौन हो? उत्तर में कन्या ने कहा कि हे कुमार, थोड़ी देर बाद मेरा सब वृत्तांत जान लोगे, अब मेरे साथ आइए। इस प्रकार कुमार को बुलाकर वह कन्या बाहर चली गई। कुमार भी प्रियंगा का आलंगा दूर कर उसके पीछे पीछे चल दिए। बाहर जाके वह सुंदर महल के फर्श पर बैठ गई और अपने आने का कारण इस प्रकार कहने लगी। हे आर्यपुत्र श्रीमन, आपका मन स्थिर कर अप्राप्त वृत्तियों की प्राप्ति के कारण भूत मेरे वचन सुनिए। इस विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी के गांधार देश में गंध समुद्र नाम का नगर है। उसका स्वामी राजा गंधार है। उसकी पृथ्वी नाम की स्त्री है और उसने पृथ्वी के समान प्यारी है। मैं उन दोनों की साक्षात लक्ष्मी के समान कांतिमती प्रभावती नाम की पुत्री हूँ। मैं एक दिन मान सवेक के स्वर्णभाव नगर नामक उत्तर नगर में गई थी और वहाँ मैंने मानस वेग की माता अंगारवती को जानकर उससे उसकी पुत्री वेगवती का वृत्तांत पूछा। वेगवती की सखियों ने मुझे उसका समाचार बताया और साथ में यही बताया कि जिस प्रकार चंद्रमा के साथ चंद्रा नक्षत्र का संगम होता है, उसी तरह आपका उसके साथ संगम हुआ है। उसी नगर में शुद्धशील ही जिसका आभूषण है और आपका नाम ग्रहण करना ही जिसका आहार है, ऐसी श्रोमशी भी रहती है जिसकी अलका वाले की छोर आपके विजयों वियोगजन्य महादुख से सफ़ेद सफ़ेद दिखने वाले गालों लटक रहे हैं। ऐसी आपकी उस श्रोमशी प्रिया ने मुझे संदेश देकर आपके पास भेजा है। उसने कहलाया, हे आर्यपुत्र, यदि मैं शत्रु की अनुयाय विनय के द्वारा अलंघनीय शील रूपी प्रकार के अंदर सुरक्षित हूँ, तथापि इस तरह मुझे यहाँ कितनी देर रहना होगा? पुत्र को डांटने वाली शत्रु की माता ही मेरी रक्षा कर रही है, इसलिए अब तक जीवित हूँ। हे प्राणनाथ, इस शत्रु से आप मुझे शीश खाइए। निरंतर वियोग सहते सहते कदाचित मेरी यहीं पर मृत्यु ना हो जाए, इसलिए हे वीर कठोर बुद्धि होकर मेरी उपेक्षा ना कीजिए। जिस तरह जिसके नेत्र सदा आंसू से युक्त है, ऐसी सी सोमश्री द्वारा भेजा हुआ संदेश सुनाकर मैं कृतकृत हुई हूँ। अब जो कुछ करना है यह आप पर निर्भर है, आप उसके पति हैं। आप यह नहीं सोचिए कि पर्वत का स्थान मेरे लिए अगम्य है, क्योंकि आपकी इच्छा होते ही मैं निमेश मात्र में आपको वहाँ ले चलूँगी। बुद्धिमान वसुदेव ने अनेक परिचायक चिन्हों के साथ श्रवण करने योग्य बात सुनकर कहा कि हे सौम्य वदने, तुम मुझे शीघ्र ही सोमशी के घर पहुँचा दो। कुमार की अनुमति पाते ही विद्या के प्रभाव से संपन्न प्रभावती उन्हें लेकर आकाश में उस तरह उड़ी जिस तरह मानो बिजली ही कौंद हो। परस्पर के अंग स्पर्श से जिनके रोमांच निकल आए हो, ऐसे वो दोनों आकाश को उल्लंघन कर शीघ्र ही स्वर्णापुर नामक उत्तम नगर में जा पहुँचे। तरंतर जिसका कटिसूत्र और वस्त्र कुछ नीचे सक गया था, ऐसी प्रभावती ने गुप्त रीति से वसुदेव को सोमशी के घर जा उतारा। वहां पहुंचते ही कुमार ने सोमशी को देखा। उस समय विरह के कारण सोमशी की बुरी हालत थी। चारों ओर लटकते हुए बालों से उसका विरह पांडव मुख की शोभा मलिन हो गई थी, इसलिए समीप में भ्रमण करते हुए भौरों से मलिन कमल से युक्त कमलनी के समान जान पड़ती थी। पति का दर्शन होती अवधि तक बांधे हुए वेणी बंधन से युक्त थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो पतले पुल से युक्त नदी ही हो। उसका ध्रोष तांबुल की लालिमा से रहित होने के कारण कुछ कुछ मटमैला हो गया था, इसलिए वह कुछ कुमलाए हुए पल्लव को धारण करने वाली मलाल लता के समान जान पाती थी। पति को आया देख उठकर खड़ी हो गई, जो स्थूल और पांडु पयोधरो स्तनों को धारण करने के कारण स्थूल धवल पयोधरो मेघों को धारण करने वाली शरद ऋतु की शोभा के समान जान पाती थी। ऐसी शिवमश्री को देखकर कुमार वसुदेव बहुत संतुष्ट हुए। जिसके शरीर रोमांच से कर्कश हो रहे थे और दोनों परस्पर आलिंगन किया, उस समय आलिंगन को प्राप्त हुए दोनों ऐसे जान पड़ते थे मानो पुनः विरह ना हो जाए, इस भय से एक रूपता को ही प्राप्त हो गए थे। अच्छी तरह कार्य सिद्ध करने वाली प्राणतुल्य प्रभावती सखी का आलिंगन कर सोमशी ने मनोहर वचनों के द्वारा उसका अभिनंदन किया। मीठे मीठे वचन कहकर उसे पसंद किया। वसुदेव के आने का रहस्य प्रकट ना हो जाए, इस विचार से प्रभावती से वसुदेव को अपना रूप तथा अपना नाम देकर दोनों दंपति से पूछ कर उनसे विदा लेकर अपने स्थान पर चली गई। भगवत प्रभावती ने अपनी विद्या के प्रभाव से वसुदेव को प्रभावती बना दिया। इस प्रकार परिवर्तित रूप को धारण करने वाले वसुदेव ने मानसवे के घर सोमशी के साथ कितने ही दिन निवास किया।
एक दिन सोमश्री पहले जाग गई और पति वसुदेव को स्वाभाविक वेश में देखकर शत्रु के भय से किसी विपत्ति की आशा करती हुई रोने लगी। इतने में कुमार भी जाग गया। उसे रोती देखते हुए पूछा, ये किस लिए रोती हो? सोमश्री ने उत्तर दिया, आपका रूप देख रही हूँ, यही मेरे रोने का कारण है। कुमार ने कहा, डरो मत, विद्याओं का यह स्वभाव है कि सोते हुए मनुष्यों के शरीर को छोड़कर पृथक हो जाती है और जागने पर पुनः हो जाती है। इस प्रकार के कहकर तथा पहले के समान रूप बदलकर कुमार वसुदेव प्रिया सोमश्री के साथ महाने लगे। तदंतर एक दिन मान संवेग ने किसी तरह कुमार वसुदेव को देख लिया, जिससे कुमार वसुदेव हमारी स्त्री सोमश्री के साथ रूप बदल कर रहता है। यह शिकायत लेकर वह पत्नी के साथ वैजयंती नगरी के राजा बल सिंह के पास गया। यह शिकायत लेकर वह पत्नी के साथ वैजयंती नगरी के राजा बल सिंह के पास गया। राजा बल सिंह न्यायपरायण पुरुष था, इसलिए जब उसने शिकायत की छानबीन की तो मानसवेग हार गया। हार जाने से मानसवेग बहुत ही लज्जित हुआ और वसुदेव के साथ युद्ध करने के लिए उत्पन्न खड़ा हुआ। यह देख कितने ही विद्याधर वसुदेव का पक्ष लेकर खड़े हो गए। तदंतर वसुदेव और मानसवेग का युद्ध हुआ। वेगवती की माता ने जमाई वसुदेव के लिए एक दिव्य धनुष और दिव्य बाणों से भरे हुए दो तरकश दिए और प्रभावती के ने युद्ध का समाचार जानकर शीघ्र ही प्रज्ञप्ति नाम की विद्या दे दी। उस पर के प्रभाव से कुमार ने मानसवेग को युद्ध में शीघ्र ही बांध लिया। तदंतर मानसवेग की माता ने कुमार से पुत्रा भिक्षा मांगी, जिसे दयावत होकर कुमार ने उसे सोमश्री के पास ले जाकर छोड़ दिया। इस घटना से मानसवेग कुमार का गहरा बंधु हो गया और विमान द्वारा सोमश्री सहित वसुदेव को उनके अभीष्ट स्थान महापुर नगर तक पहुँचाने गया। वहाँ पहुँचने पर वसुदेव का सोमश्री के बंधुओं के साथ समागम हो गया और मानसवेग भी उनका आज्ञाकारी होकर अपने स्थान पर वापस चला गया। तदंतर सुनी और अनुभवी बातों के प्रश्नोत्तर करना ही जिस प्रकार का जिसका काम शेष था और जिसके चित्त कामरस के अधीन थे, ऐसे उन दोनों दंपतियों का सुख से समय व्यतीत होने लगा। अथांत एक समय कुमार का शत्रु राजा त्रिशिखर का पुत्र सूर्पक अश्व का रूप रखकर कुमार को हर ले गया और आकाश से उसे नीचे गिरा दिया, जिससे गंगा नदी में जा गिरे। गंगा नदी को पार कर कुमार वसुदेव तापसों के एक आश्रम में पहुंचे। वहाँ उन्हें मनुष्यों को हड्डियों का सेहरा धारण करने वाली एक पागल स्त्री को देखा और किसी ताकत से पूछा कि यह सुंदरी युवती किसकी स्त्री है जो मदोन्माश के वश होकर पागल हस्तिनी के समान इधर उधर घूम रही है। तापस ने कहा कि यह राजा जरासंध की पुत्री केतुमती है और राजा जितशत्रु को विवाही गई है। इस बेचारी को एक मंत्रवादी परिव्राजक ने अपने वश में कर लिया और वह मर गया, इसलिए उसकी हड्डियों के समूह की माला बनाकर यह पृथ्वी घूमती रहती है। यह वसुदेव की दया उमड़ पड़ी और उसने महामंत्र के प्रभाव से शेख ही केतुमती के पिशाच का निग्रह कर दिया। वहाँ वसुदेव की खोज में जरासंध के आदमी पहले से ही नियुक्त थे, इसलिए यद्यपि कुमार उपकारी थे तथापि वे उन्हें घेर कर राजनय नगर में ले गए। उनको ले जाने वाले लोगों से वसुदेव ने पूछा, हे राजपुरुषो, बताओ तो सही, मैंने राजा का कौन सा अपराध किया है जिससे इसे इस तरह में क्रोधपूर्वक ले जाया जा रहा हूँ? यह कहने पर राजपुरुष बोले कि जो राजपुत्र के पिशाच को दूर करेगा वह राजा को घात करने वाले शत्रु का पिता होगा। इस प्रकार कहकर नीच मनुष्यों से गिरे वसुदेव गलत स्थान पर ले जाए गए, परंतु वध होने के पहले ही कोई विद्याधर उन्हें झपट कर आकाश में ले गया। उस विद्याधर ने कुमार को संबोधते हुए कहा कि हे विद्याधर, तुम मुझे पैमाना जानो, भागीरथ मेरा नाम है और मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला हूँ। हे नीतिज्ञ, मैं तुम्हें प्रभावती के पास लिए जाता हूँ। इस प्रकार मधुवचन कहता हुआ वह विद्याधर उन्हें विजयात पर्वत पर ले गया। वहाँ पर्वत के मस्तक पर एक गंध समुद्र नाम का नगर था। उसमें अनेक विद्याधरों से गिरे हुए वसुदेव का उसने बड़े वैभव के साथ प्रवेश कराया। तदनंतर प्रशस्ति और नक्षत्र के योग में प्रभावती के पिता तथा बंधुजनों ने हर्ष से युक्त वसुदेव और प्रभावती का विवाह उत्सव किया। वसुदेव और प्रभावती के हृदय काम के आवेश में पहले ही एक दूसरे के वशीभूत थे, अतः अब वर बंधु बनकर दोनों भोग रूपी सागर में निमग्न हो गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि यद्यपि पापी मनुष्य प्रियजनों के साथ संयोग को प्राप्त हुए अन्य मनुष्य को सदा प्रियजनों के वियुक्त करता है, परंतु पूर्व में जिन धर्म करने वाला मनुष्य पूर्व की अपेक्षा सैकड़ों बार अतिशय प्रियजनों के साथ संयोग को प्राप्त होता है।
इस प्रकार अरिष्ट नेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिनसे रचा रचित हरिवंश पुराण में प्रभावती के लाभ का वर्णन का 30वां सर्ग समाप्त हुआ।